अगर आप भी अपने सिंपल एलईडी या स्मार्ट टीवी को एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसे तीन बेस्ट एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका बिल्कुल स्मूथली जो है एंड्रॉइड टीवी बन जाएगा और बिल्कुल आराम से चलेगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल मैं आज आपको ऐसी तीन एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि काफी जबरदस्त और आपको ऐसा स्मूथ एक्सपीरियंस देंगे जिसके साथ आप इजीली यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन कुछ भी आराम से चला सकते हो, वो बिल्कुल भी लैग नहीं होगा और फुली सर्टिफाइड कंपनी के ही होंगे। तो यार जिसके हम पहले नंबर पे बात करते हैं वो है नोकिया का मीडिया स्ट्रीमर जो कि फ्लिपकार्ट पे हमें मिल रहा है 3,000 रुपये में। साथ ही में इसमें हमें एंड्रॉइड 9 मिलता है और इसमें हमें क्रोम कास्ट भी है वो बिल्ट इन मिलता है। आप इजीली अपने मोबाइल से क्रोम कास्ट करके कुछ भी चला सकते हैं इसमें। जो इसमें और फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमें 5,000 तो ऐप है जो वो मिलते हैं, हम यूट्यूब को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही में हम इसमें यार 1080 पिक्सल तक की हम इसमें वीडियो देख सकते हैं। तो अगर इस प्राइस में देखा जाए 3,000 में तो ये काफ़ी ही ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास है एमआई का टीवी बॉक्स जिसमें हम 4K देख सकते हैं लेकिन इसका प्राइस 4,000 रुपये है। लेकिन इसका इसका एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त है, इतना इसका यूआई इतना स्मूथ काम करता है जो आपको ऐसा लगने ही नहीं देगा कि आपने कोई स्ट्रीमर लगा रखा है। इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें भी हमें एंड्रॉइड 9 मिलता है, साथ ही में इसमें भी हमें बिल्ट इन क्रोम कास्ट मिलता है। इस 4,000 का अगर आपका बजट है तो मुझे ये बेस्ट लग रहा है जिसको आप ले सकते हो, क्योंकि जो MIR एक अच्छी काफ़ी अच्छी ब्रांड है जो काफ़ी आपको एक प्रीमियम ये एंड्रॉइड टीवी बॉक्स देगी, उसको आप इजीली अपने टीवी में इंस्टॉल करो और साथ ही हमें इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। इसमें हमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास है अमेजोन फायर टीवी स्टिक। इसमें हम मेन वाली की बात नहीं करेंगे, हम इसमें फायर टीवी स्टिक लाइट की बात करेंगे जो 3,000 रुपये की है, जो नोकिया के सेम रेट की है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें वही सेम चीज़ें मिलती है लेकिन इसमें हमें क्रोम कास्ट नहीं मिलता एक तो, एक इसमें हमें 1080 पिक्सल तक का सपोर्ट मिलता है। बाकी यार इसमें हमें ये है आपको इतने पैसे देने के बाद ना कुछ स्पेसिफिकेशंस कम मिलती है। तो अगर मैं लाइन वाइज अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट पे मुझे लगता है एमआई का, सेकंड पे मुझे नोकिया का और थर्ड पे मुझे ये अमेजोन की फायर टीवी स्टिक लाइट। जो फायर टीवी स्टिक है वो तो अच्छी है लेकिन जो लाइट है मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप परचेस करना चाहते तो आप ये एमआई की परचेस कर सकते हो। एमआई काफ़ी अच्छी है यार, आपको एक 4K जो है एक्सपीरियंस देगी, आप आराम से अपने टीवी में लगा के उसको एंजॉय कर सकते हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप यू विल लाइक द वीडियो।